हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जब हमारी फैमिली के सब लोग घर पर हों और बाजार से नाश्ता मंगवाने की जगह घर पर ही मजेदार नाश्ता बनाना हो तो मसाला सैंडविच एक बेस्ट चॉइस है। और फिर इसे बनाना भी बहुत ईजी है क्योंकि इसको तवे पर बनाया जाता है, यानी इसके लिए सैंडविच मेकर का झंझट भी नहीं है। तो चलिए डिलीशियस मसाला सैंडविच बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं गैस पर एक पैन रख रही हूँ और इसमें सिर्फ 2 चम्मच तेल गर्म कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सैंडविच बिल्कुल कम ऑयल वाला फूड है, इसलिए आप अपनी पूरी फैमिली को ये नाश्ता बेफिक्र होकर खिला सकती हैं। ऑयल गर्म होते ही मैं इसकी फ्लेम कम करके इसमें 1 चम्मच जीरा तड़का रही हूँ और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ 1 प्याज। हमारे सैंडविच को फ्लेवरफुल बनाने के लिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गर्म तेल में ये तीनों चीजें, यानी कि प्याज, अदरक और लहसुन डालने के बाद अब इनको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि अदरक, लहसुन और प्याज हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से हमको बचाते हैं। इसलिए अपनी रेसिपी में ये सब यूज करके आप अपने नाश्ते को हेल्दी भी बनाएंगे और डिलीशियस भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि प्याज, अदरक, लहसुन अब भुन गया है, तो आइए अब इसमें डालते हैं उबालकर मैश किए हुए 3 आलू और थोड़े से मसाले, जैसे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के लिए नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और बस इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा सेक लगा लेंगे। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से सैंडविच के लिए बहुत मसालेदार चटपटी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इस स्टफिंग से बहुत ही डिलीशियस सैंडविच तैयार करने के लिए मैं ब्रेड की 1 स्लाइस पर टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। आपके पास और भी कोई सॉस हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, फिर चाहे पिज्जा सॉस हो या तंदूरी सॉस हो या आपकी पसंद का कोई भी और सॉस हो। फिर दूसरी ब्रेड स्लाइस पर मैं धनिया की चटनी लगा रही हूँ। इस तरह आप खुद देख सकते हैं ये कितना कलरफुल और फ्लेवरफुल सैंडविच बनने वाला है। अब इसी ब्रेड स्लाइस पर मैं मसालेदार स्टफिंग डालकर फैला रही हूँ। ये देखिए दोनों ब्रेड स्लाइस तैयार हैं, बस अब इनको एक दूसरे पर रख कर इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब बारी है हमारे सैंडविच को पकाने की। इसके लिए मैं एक तवा गर्म करके उस पर थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। आप चाहें तो बटर की जगह ऑयल भी यूज कर सकती हैं। और बस अब इस सैंडविच को दोनों साइड से इस तरह थोड़ा थोड़ा दबाते हुए सेक लेंगे। ये देखिए सिर्फ 5 मिनट में कितना बढ़िया मसाला सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। तो अब देर किस बात की, इसे गर्मा गर्म परोसिए और पूरी फैमिली के साथ अपना मसाला सैंडविच का नाश्ता एंजॉय कीजिए। और हाँ, ये रेसिपी शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।